रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो दो ऑपरेंड के बीच का रिलेशन बताने के लिए काम आते। हम कभी कभी बोलते हैं कि ये बंदा मेरे से छोटा है, या ये बंदी मेरे से बड़ी है, या हम दोनों की एज इक्वल है। हम कभी कभी ये बोलते हैं। तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, जब हम ये बोले कि हम दोनों की एज सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे की एज को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। वैसे ही अगर हमें ऑपरेंड्स के बीच करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब सबसे पहले आता है डबल इक्वल टू, इसका मतलब ए इक्वल टू बी। अभी हमने ए में एक वैल्यू ले और बी की वैल्यू ले वन, तो वन इज इक्वल टू वन, दोनों ही सही है तो हमें आंसर मिलेगा यस। उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू। अभी ये क्या चेक करेगा कि दोनों सेम है या नहीं। उसके बाद थर्ड वाला जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन के लिए। अब हम ये चेक करते हैं कि एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन सिंबल। उसके जस्ट नीचे है लेस देन। अगर हमें चेक करना हो कि एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या नहीं, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि हमें चेक करना है कि उससे बड़ा है या फिर उसके जितना है। जैसे कि हम लिख दे कि 5 ग्रेटर देन 7, एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई, बट 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 उसके जितना ही है, या तो उसके जितना होना चाहिए या फिर उससे जितना और उससे बड़ा। दो कंडीशन एक साथ लेनी हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। सेम मैनर लेस देन और इक्वल टू, या तो उसके जितना होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, राइट। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक क्लास चाहिए, जैसे कि हम हर बारी लेते हैं, राइट। सो क्लास रिलेशनल, ठीक है। अब दो कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो, इन बिटवीन मेन मेथड लिखते हैं, ठीक है। अब मेन मेथड के बाद इंटीजर x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। अब हमने पहले से ही दो वैल्यू ले ली x और y के अंदर। अब सबसे पहले हम हमारा इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसे चेक करते हैं। सो बुलियन आंसर इज इक्वल टू x इक्वल टू y, मतलब अगर x और y दोनों की वैल्यू सेम रहती है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, आंसर प्रिंट कराना है, राइट। अब आंसर इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू y, अगर x और y दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहती है। अब ये नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है, मतलब x नॉट इक्वल टू y तो x की वैल्यू प्रिंट कराए, अदरवाइज y की वैल्यू प्रिंट कराए, ठीक है। अब आंसर इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू बड़ी रही तो हमें x प्रिंट कराना है, और अगर y की वैल्यू बड़ी रही तो हमें y प्रिंट कराना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x ग्रेटर देन y और आंसर। वैसे ही आंसर इज इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अब इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू y से बड़ी है या फिर y जितनी है, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, x y, ठीक है। अब सेम मैनर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, वैसे ही लेस देन और लेस देन इक्वल टू कराते हैं। सो आंसर इज इक्वल टू x लेस देन y, इसका मतलब अगर x की वैल्यू y से छोटी रही तो हमें x प्रिंट कराना है, नहीं तो फिर y। सेम वैसे ही आंसर इज इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू y, इसका मतलब अगर x की वैल्यू y से छोटी है तो प्रिंट करो, नहीं तो फिर x की वैल्यू y जितनी है तो भी प्रिंट करो, ठीक है। अब ये कंप्लीट। अब हम इसे सेव करते हैं रिलेशनल डॉट जावा से। बट अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिया है, बुलियन, मतलब ये बुलियन क्या देता है, ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देता है, ठीक है। अब हम कंपाइल करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चले। सो जावा सी रिलेशनल डॉट जावा, नाउ नेक्स्ट जावा रिलेशनल, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसे मैच करते हैं, x और y दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है, नहीं है, राइट। तो क्या मिला हमें, फॉल्स। जैसे कि मैंने पहले बोला, बुलियन हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। सो ये वाला हमारा गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि x नॉट इक्वल टू y, मतलब x और y दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं है, तो क्या हुआ, ट्रू हो गया, तो हमें यहाँ पे मिला ट्रू। अब देखिए,
आंसर इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, हाँ है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू, तो हमें क्या मिला, ट्रू. नेक्स्ट, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, मतलब एक्स वाई से बड़ा है या फिर उसके जितना है, बट यहाँ पे क्या है, एक्स वाई से बड़ा है, राइट, तो हमें मिला ट्रू. अब देखते हैं, आंसर इज इक्वल टू एक्स लेस देन वाई, एक्स की वैल्यू वाई से कम है, नहीं है, बड़ी है ना, तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स. नेक्स्ट, एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू वाई से कम है या फिर उसके जितनी है, तो ये भी गलत हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स. तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर.